नमस्कार, KKBNews.in में आपका स्वागत है। मैं हूं नितिन चौधरी। आज मैं मौजूद हूं एक ऐसी शख्सियत के पास जिस पर पूरे देश को नाज है। हमारे साथ मौजूद हैं एक फौजी। आइए इनसे जानते हैं फौज के बारे में, इनका क्या अनुभव रहा। अभी ये सेवानिवृत्त हैं, अपने बारे में खुद ही बताएंगे। जी भाई साहब, मैं अपना परिचय स्वयं दे रहा हूँ। मेरा नाम ज्ञान सिंह है और मैं भारतीय वायुसेना से अवकाश प्राप्त हूँ। मेरी लास्ट पोस्टिंग हिंडन थी और 2000 में मैं रिटायर हो चुका था। आप ये मान के चले कि 19 साल हो गए रिटायर हुए और मैं समाज सेवा में अभी लगा हुआ हूँ। 19 साल हो गए रिटायरमेंट को? जी भाई साहब। अच्छा, और अभी फिलहाल हमारे पास दो तीन तरह का अनुभव है। फौज ज्वाइन करने के पहले मैं कॉलेज लाइफ में था, BSc मैथ ऑनर्स की पढ़ाई कर रहा था। कहाँ से की आपने पढ़ाई? हमने झारखंड साहिबगंज भागलपुर यूनिवर्सिटी में, हमने वहाँ BSc में मैं था। उसमें हमारा सिलेक्शन उस समय तो बिहार और झारखंड, बिहार झारखंड दोनों एक हुआ करता था और उसमें बिहार में हुआ करता था वो। तो मैंने NCC लाइफ भी देखी, वो भी एक फौज का अच्छा था। NCC में कैडेट रहे हैं? NCC मैंने भी बी सर्टिफिकेट करी है, उसका सी नहीं ले पाया चूंकि BSc में मैं फाइनल ईयर में था, कर नहीं पाया। सी सर्टिफिकेट होल्डर था मैं लेकिन कर नहीं पाया। और इस बीच मेरी मेरा चुनाव हो गया एयरफोर्स में। और उसके बारे में बताइए, मतलब किस तरह से क्या फॉर्म फिलअप करके जो हमारे फॉर्म देख रहे हैं हमारा युवा है? हाँ जी, रिटर्न एग्जाम होता है हमारा और ये पटना कदम कुआ में हमारा एग्जामिनेशन सेंटर पड़ा था। मोस्टली साइंस के बारे में जानकारी, सबसे पहले तो इंग्लिश रिटर्न टेस्ट हुआ था, उसके बाद साइंस के बारे में पूरी जानकारी ली गई थी, फिर मेडिकल टेस्ट हुआ। मेडिकल टेस्ट के बाद और भी कई सारे टेस्ट थे उसमें, जो हमें अभी फिलहाल याद भी नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत 8-10 दिनों का वो सारा टेस्ट था। उसको हम लोगों ने फेस किया, उसमें जितने हम लोग सेलेक्ट हुए हम लोगों को हमें कम्युनिकेशन, उसके बाद कोई इंटरव्यू वगैरह? इंटरव्यू फाइनल इंटरव्यू नहीं हुआ, हमारा सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन लेटर 2 महीने के बाद हमारा आया और उसमें हमें मेंशन किया गया कि आपको कम्युनिकेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बेंगलोर जाना है, वहाँ आपको ट्रेनिंग करनी है। और वो उसमें बेंगलुरु में आपकी ट्रेनिंग हुई शुरुआत? बेंगलोर ट्रेनिंग हमारी हुई, वहाँ CTI जलाली वेस्ट कहलाता है वो एरिया, बेंगलोर कम्युनिकेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। और वहाँ हमारी 15 महीने की ट्रेनिंग थी। तो वहाँ पे ऐसे क्या मतलब ज्वाइनिंग हुई आपकी? डिप्लोमा कर रहे हैं जिसको टेक्नीशियन कहा जाता है। कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन हमारा काम था, उसको प्रोवाइड करना, मतलब जो हवा में जावाज हमारे उड़ते हैं रणबांकुरे एयरफोर्स से, उनको असिस्ट करना। बेसिकली हमारी ड्यूटी ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल लेक टावर, जिसको आप देखते होंगे हर हवाई अड्डे पर होता है, जहाँ से एयर ट्रैफिक मूवमेंट कंट्रोल किया जाता है वहाँ। हालांकि सारी बातें मैं बता नहीं सकता, जो थोड़ा सा सीक्रेट भी है, लेकिन एयरक्राफ्ट, चाहे वो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो या फाइटर एयरक्राफ्ट हो या छोटे एयरक्राफ्ट हो, हेलीकॉप्टर हो जैसे चीता, चेतक, Mi-17 वगैरह, इन सबको हम लोगों को मूवमेंट पास करना पड़ता है। कंट्रोलिंग सारा नीचे से होता है। अच्छा, तो बेसिक तो हमारा एयरफोर्स, हम लोगों का बेसिक काम ये है कि हवाई जहाज को स्मूथली उड़ाना। तो कितना मुश्किल रहा और या क्या अनुभव रहा आपका? अनुभव तो बहुत खट्टे मीठे अनुभव काफ़ी अनुभव है। और फर्स्ट पोस्टिंग हमारी जैसलमेर हुई, जो जिसको रेगिस्तान कहा जाता है, वहाँ बहुत गर्मी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हुआ करता था वहाँ। फिर भी वहाँ का कोई ऐसा अनुभव जो आप शेयर करना चाहें हमारे साथ? हाँ, अनुभव जैसे हम लोग क्या होता था कि नाइट फ्लाइंग के टाइम में, जैसे नाइट फ्लाइंग होता था, हम लोग का शेड्यूल होता था कि फाइटर को रात में भी उड़ना है। उस कंडीशन में हम लोगों को रनवे को भी कंट्रोल करना होता है, जैसे कैटल्स आ जाया करते थे, छोटे छोटे खरगोश, नीलगाय, हिरन, अब हम लोगों को हेलीकॉप्टर से चेज करना पड़ता था, उसको भगाना पड़ता था, नहीं होता था इन कंडीशन में। अब हवाई जहाज हमारा फाइटर लैंड कर रहा है, उस कंडीशन में कोई कैटल आ गया, कोई ब्लू बुल आ गया हमारा, कोई हिरन आ गया, तो उसको हम लोग हेलीकॉप्टर से चेज करके उसको अदरवाइज शूट कर देते थे या किसी तरह भगाना पड़ता था, सो देट वो जहाज हमारा फाइटर, चूंकि सुपरसोनिक हाई स्पीड होता है वो, तो उसको स्मूथली हम लोग लैंड करा पाए। अच्छा जी, ओके। अभी बताइए, जो आजकल के युवा जाना चाहते हैं उनके लिए मतलब क्या संदेश है, क्या किस तरह की तैयारी उनको करनी चाहिए? नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डिफेंस खास करके एयरफोर्स, ये तीनों फौजों में
एक एयरफोर्स ही ऐसा है जिसमें ये तो हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन ज्यादा उसमें पढ़ाई का ही सारा सा काम होता है। आर्मी में क्या है कि सुबह से लेकर शाम तक आपको फिजिकल वर्क ज्यादा होता है, एजुकेशन भी है। लेकिन हम लोगों में क्या है कि जैसे मान लीजिए 7 to 1 हमारा वर्किंग आवर है, उसके बाद हम फ्री हैं। चाहे वो पीटी बहुत कम होता है, हफ्ता में 1 दिन हुआ पीटी, 2 दिन हुआ पीटी, उसके बाद आप फ्री हैं अपने एजुकेशन से। मतलब हमारा माहौल ही एजुकेशन का माहौल होता है। 90% हम लोग क्या है कि नॉन कमीशन में ज्वाइन करते हैं और विद इन 5 to 10 ईयर्स वो अपना हम लोग कमीशन ले लेते हैं, या बाहर आने के बाद भी कहीं बैंकिंग में या अच्छे अच्छे पोस्ट पर जाते हैं। आपने देखा भी होगा जी, मैं खुद जेसीओ मतलब जूनियर कमीशन से रिटायर हुआ हूँ, और अभी मैं आपके सामने एज ए प्रॉपर्टी कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ, और RWA का मैं अध्यक्ष भी हूँ। यही मेरा एक छोटा सा परिचय है। तो ये बताइए, जैसे आपकी जो पोस्टिंग रही है, अपनी पोस्टिंग के बारे में बताइए, मतलब कितना मुश्किल होता है परिवार के साथ में, हाँ, कहाँ पोस्टिंग रही है आपकी? पोस्टिंग हम लोगों की पोस्टिंग ऑलमोस्ट हार्ड लिविंग एरिया जैसलमेर कहलाता था, वो FBSU फॉरवर्ड बेस सीक्रेट यूनिट कहलाता है वो। तो वहाँ कुछ नन फैमिली स्टेब्लिशमेंट वहाँ हुआ करता था, वहाँ फैमिली आप नहीं रख सकते। इफ एट ऑल फैमिली अगर आप रखते भी हैं तो सिविल अकोमोडेशन है, जैसे जैसलमेर शहर है तो वहाँ आप अपना प्राइवेट गवर्नमेंट CILQ आपको देगी और वहाँ आप अपने फैमिली को रखें। वेयर एज डिफेंस एरिया में आपका फैमिली इस्टेब्लिशमेंट वहाँ बहुत ही कम हुआ करता था। बहुत सारे ऐसे जैसे लेह लद्दाख है, थ्वाइस है, पटनी टॉप है, या आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो वहाँ क्या है कि नन फैमिली इस्टेब्लिशमेंट है, हार्ड लिविंग एरिया कहलाया जाता है, तो वहाँ फैमिली आप नहीं रख पाते हैं। उस कंडीशन में क्या है कि आपको फैमिली किसी शहर में रखना पड़ता होगा, बच्चों की पढ़ाई भी होती है, एक स्ट्रगल करना पड़ता है हमारी फैमिली को कि घर से बाहर हैं हम, अब कितने महीने के बाद आएंगे, बच्चों की फीस देनी है, बच्चों की पढ़ाई, इनके उनकी तबीयत खराब हो जाती है, ये सारी व्यवस्थाएं देखनी पड़ती है। अगर आपके परिवार में हेल्पिंग हैंड है, छोटे भाई बड़े भाई, तो वो तो परिवार स्मूथ ही चलता है। अदरवाइज अगर सिंगल भाई सिंगल अगर कोई है तो उनके लिए समस्याएं आ खड़ी होती हैं कभी कभी, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन फिर भी फौजी माहौल बहुत ही एडवेंचर लाइफ है, देखने को मौका मिलता है एक सभ्य नागरिक कैसे बनते हैं और जीने का। हर आप स्टेट में हर प्रोविंस में जाके आपको जानकारी मिल जाती है कि कैसे जिया जाता है। डिसिप्लिन के बारे में बताइए और थोड़ा सा ये बताइए, परिवार की तरफ से क्या सहयोग रहा, जैसे धर्मपत्नी या बच्चों की तरफ से? अनुशासन या डिसिप्लिन तो किसी भी पार्ट में आप जाएं, जब तक आप अपने आप को निभाएंगे नहीं तो वो आप स्मूथली, चाहे वो घर हो, परिवार हो, समाज हो, इंडस्ट्री हो या सेना हो, बिना अनुशासन के तो चलना संभव है नहीं है। फैमिली की तरफ से हमें बहुत योगदान मिला, बहुत सपोर्ट काफ़ी मिला। हमारी पत्नी इतनी स्ट्रांग नेचर की अभी भी है कि कहती थी घबराना आप नहीं है, आप कहीं भी हो जाना। ऐसे हमारे लाइफ में हार्ड लिविंग एरिया सिर्फ जैसलमेर नहीं था, उसके बाद में पीस रहा, जो अम्बाला रहा, नॉर्थ ईस्ट रहा, पूर्णिया रहा, फिर हिंडन आ गया, तो अच्छी अच्छी यूनिटें हमारी बॉम्बे रहा 6 साल में। तो मैं फैमिली तो के साथ, एक मेरा सवाल ये है, कोई आपके जो नौकरी के जो भी समय रहा उसमें कोई आपके समय कोई ऐसी कैजुअलिटी या कोई युद्ध आपने देखा हो नजदीक से, सिर्फ कारगिल वाल को खोया हो? सिर्फ कारगिल वाल हमने देखा, कारगिल वाल हमारे जालंधर हम लोगों को भेजा गया था। कारगिल के टाइम में भी मैं यहीं था, अम्बाला से यहाँ पोस्टिंग आया हुआ था, और उस समय जालंधर हम लोगों को TD कहा जाता है, टेम्पररी ड्यूटी, फॉर द टाइम बींग 10 to 15 डेज में गया हुआ था। और वहाँ से हमारा जो फाइटर मूवमेंट था उसको हम लोग कंट्रोल करते थे, या जो भी ड्यूटी दी जाती थी उसको निभा के हम लोग आए। यही कारगिल वार का हमारा वार आपने देखा है नजदीक से? जी हाँ, नजदीक से हमने देखा है। हम सबों का सहयोग रहा है। तो कैसा अनुभव रहा उसका? बहुत बढ़िया अनुभव रहा। मैं तो चाहूंगा कि अभी भी अगर वार हो और हमें जाने का मौका मिले तो मैं वैसे जाऊंगा। अब तो ये कहा जाता है कि जो आजकल जो लड़ाइयां हैं, किसी भी देश की जो ताकत है वो उसकी एयरफोर्स है, मतलब ऐसा, मतलब आर्मी में विशेषज्ञ लोग कहते हैं, क्या ये सही है? डेफिनेटली नहीं, ऐसा है, एयरफोर्स तो है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आर्मी विंग जो हमारा सपोर्टिंग यूनिट है, नेवी को माना जाए ये भी हमारी सपोर्टिंग यूनिट है। अब क्या है कि एयरफोर्स में अब फाइट जो है हमारा लेजर के थ्रू हो रहा है। कारगिल के टाइम में भी हमारा लेजर बम हमने ड्रॉप किया हुआ था, शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा या सुना भी होगा। तो अब तो और भी टेक्नोलॉजी इतना फास्ट हो गया है कि टेक्नोलॉजी पे बात हो रही है तो राफेल पे भी थोड़ा सा बात कर लें। राफेल पे ज्ञान जी, जैसे आप सेवानिवृत्त अधिकारी रहे हैं एयरफोर्स में,
राफेल पे क्या कहना है, विपक्ष भी इस पे सवाल उठा रहा है, इस पे आपका मतलब क्या कहना है? बहुत ज्यादा गहराई से तो मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि मैं अवकाश प्राप्त हो चुका हूँ, और बेसिक चीज मैं सिंपल जानना बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप एक मोबाइल लेते हैं या एक बाइक परचेज करते हैं, अगर 10,000 की वो गाड़ी है तो आप उसमें 5,000 का एसेसरीज भी लगा सकते हैं। उसमें टेक्नोलॉजी क्या क्या लगाना चाह रहे हैं आप, वो डिपेंड करता है, बेसिक कॉस्ट पर मत जाए। वही स्थिति अभी हमारी राफेल के बारे में है। आपको शायद पता भी होगा जिसमें हम लोग एयरफोर्स में थे, आप जिसमें हम लोग रसिया से मिसाइल लिया करते थे, तो मिसाइल के साथ साथ हम लोगों को लॉन्चर भी कंपलसरी था कि आपको लॉन्चर भी लेना है। कॉस्ट मिसाइल का कुछ और होता था और लॉन्चर के साथ अगर लेते थे तो उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाता था। तो ये तो बिजनेस टेक्नोलॉजी है, अब जैसा वो डिपेंड करता है हमारे सुप्रीम कमांडर पर या देश के जो हमारे डिफेंस के नेता है वगैरह, जो हमारे मिनिस्टर बैठे हुए हैं या उनका फाइनेंस का मामला है, ये लोग देखें। इस मामले में विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहता। अच्छा ये बताइए, जो अभी विपक्ष कह रहा है कि इसकी कॉस्ट नहीं बता रहे हैं, राफेल में घोटाला हुआ है, आपको क्या लगता है? ये कम्प्लीटली टॉप सीक्रेट मामला है, इसको डिस्क्लोज भूल से भी नहीं करना चाहिए, जहां तक मेरा ये व्यक्तिगत राय है। अच्छा नहीं करना चाहिए, इसमें मतलब टिप्पणी नहीं करना चाहते भाई? कोई टिप्पणी इस पर नहीं करना चाहिए, जहां तक मेरा बुद्धि विवेक काम कर रहा है, मैं अपना व्यक्तिगत राय दे रहा हूँ। इस पर किसी भी तरह की टिप्पणी हमारे लिए खतरा का ही विषय हो सकता है। अच्छा वन रैंक वन पेंशन पे आपका क्या कहना है? वन रैंक वन पेंशन ये तो बीजेपी की सरकार की उपलब्धि है, ये बहुत ही अच्छा काम मोदी सरकार ने किया है और ये मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वन रैंक। फौजी खुश है इससे? फौजी बहुत खुश है, इसमें कोई संदेह नहीं है, बिल्कुल मैं खुश हूँ। ये बताइए इसके बारे में क्या फायदा हुआ इससे? फायदा वन रैंक वन पेंशन से बेसिक मैं बिल्कुल सिंपल सी बात करना चाहता हूँ। आज से 50 साल पहले या 20 साल पहले जो हमारे एक कर्मचारी रिटायर किए थे, उनका पेंशन 2,000 रुपया हुआ करता था, और उसी रैंक से अगर आज के डेट में कोई रिटायर करता है तो उसका पेंशन 20,000 हुआ करता है। तो ये जो डिफरेंस था, ये जो इतना बड़ा अंतर, तो हमारे ख्याल से ये सबों के लिए बहुत बड़ा अंतर माना जाता था। अब सबके बराबर हो गए हैं और सब 2,000 वाले का भी 20 मिलेगा, अब 20 मिलेगा और सभी खुश हैं। अच्छा इस तरह की सारी चीजें। हाँ ओके। और आखिर में कोई संदेश देना चाहते हैं आजकल के युवाओं को जो एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं या सेना की तैयारी कर रहे हैं? सेना में तो हमारी इच्छा ये है कि, और मैं ये चाहता भी हूँ कि हर घर से एक सैनिक होना चाहिए, बशर्ते ये भी होना चाहिए कि स्कूल में कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग होना अनिवार्य कर दिया जाए। मैं सरकार से आग्रह करूंगा, अगर ये हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है देश हित के लिए। तो ये थे हमारे साथ में सेवानिवृत्त एयरफोर्स से ज्ञान सिंह जी, और इन्होंने सेना के बारे में, एयरफोर्स के बारे में, अपने जो भी जीवन के अनुभव हैं उनके बारे में बात की। इनसे मिलकर मुझे तो अच्छा लगा, उम्मीद है आप लोगों को भी आनंद आया होगा, और बहुत सारी जानकारी जो युवा तैयारी कर रहे हैं एयरफोर्स की उनको इससे लाभ होगा। आज इस बातचीत के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और जो हमारा चैनल है KKBNews.in इसे सब्सक्राइब करें। नमस्कार।